हाय फ्रेंड, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज गाम्यास चैनल। फ्रेंड, आज मैं अगेन एक मेकअप लुक वीडियो लेके आई हूं, जो कि है वैलेंटाइन डे मेकअप लुक, बट आप इसे किसी भी ओकेजन, पार्टी या गेट टुगेदर में कैरी कर सकते हो। आप इसे एज अ वेडिंग गेस्ट भी कैरी कर सकते हो इस मेकअप को। तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताना कि आपको ये पीची सा ग्लो सा मेकअप कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेकअप। उसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, जो कि है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। उसे मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करूंगी, जिससे कि जो मॉइस्चराइजर है वो मेरे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का लिप बाम लिया है। इसका मैंने सेपरेट रिव्यू भी किया है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप स्टार्ट करने से पहले का, वो होता है प्राइमर का। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर के लिए स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है, उसका जो कि सिलिकॉन बेस्ड है। उसको मैं थोड़ा सा अमाउंट लेके अपने फेस पे अच्छे से उसको अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो बेस मेकअप होता है वो हमारे फेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है और हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको ब्लर आउट कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर लिया है, उसको मैं अच्छे से अपने फेस पे, ऑल ओवर फेस पे ही अपने अप्लाई कर लूँगी। और आप देख सकते हो कि एक अच्छी सी शीन मेरे फेस पे दिख रही है आपको। और आप चाहो तो आपका जो फाउंडेशन या जो भी आपकी बीबी या सीसी क्रीम है उसके साथ में इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अपना बेस मेकअप करूँगी और बहुत ही अच्छी सी शीन आ गई है मेरे फेस पे। अब मैं यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। देन उसके बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से उसको अप्लाई करूँगी, ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है और एक अच्छा सा कवरेज भी आपके फेस पे ये देती है और इजी ब्लेंडेबल है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली वन टाइम ही है इसको मैंने अप्लाई किया है। अगर आपको डार्क सर्कल है या कहीं आपको दाग धब्बे हैं तो आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हो, मीन्स कि आप इसको सेकेंड टाइम भी इसका छोटा सा अमाउंट लेके उसको अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि डार्क पैचेज हैं या डार्कनेस है, वहाँ पे इसको एज अ कंसीलर आप यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने एज अ कंसीलर यूज़ नहीं किया है, इनफैक्ट मैंने कंसीलर यूज़ किया ही नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट आप चाहो तो कर सकते हो। अब बारी आती है अपने बेस मेकअप को सेट करने की, तो यहाँ पे मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का जो रेडियंट कॉम्पैक्ट आता है उसकी हेल्प से अपने फेस के जो बेस मेकअप है उसको मैं सेट कर लूंगी। और अभी मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूं, उसके लिए मैंने मिस क्लेयर की जो ब्राउन पेंसिल होती है उसको ये यूज किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन के न्यूड पैलेट से डार्क ग्रे शेड लेके अपने दोनों ही आईब्रोज को फिल कर लूंगी। मैं आपको फिर से बोलूंगी फ्रेंड कि आपका जो नेचुरल शेप है उसको ही आपको फॉलो करना है। मैं अपने दूसरे आईब्रोज को भी सेम वैसे ही फिल कर लूँगी। और आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेना है, एक साथ में ही एक बारी में ही बहुत सारा अमाउंट लेके अप्लाई नहीं करना है, और आपको आपके नेचुरल शेप को ही फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि एक्सेस हो गया है तो स्पूली की हेल्प से उसको हम कॉम्ब आउट कर लेंगे। आप देख सकते हो अभी मैं स्पूली की हेल्प से उसको सेट कर रही हूँ, कहीं भी अगर ज़्यादा हो गया है प्रोडक्ट तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद हम आई मेकअप करेंगे, और आई मेकअप के लिए मैंने मेबलिन का न्यूड पैलेट लिया था, उसमें से सिल्वर शेड पिक किया था मैंने, जो कि मैं ऑलमोस्ट अपने सारे ही मेकअप वीडियोज़ में करती हूँ, और अपने पूरे आई लिड में उसको मैं अप्लाई कर लूँगी। फ्रेंड, ये जो मेकअप लुक है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि सबके लिए इजी हो उसे कैरी करना, बिल्कुल भी मैंने डिफ़िकल्टीज नहीं रखा है उसमें। आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो एलेटिन की काजल आती है उसको मैं एज अ आईलाइनर लगा रही हूँ, और आप देख सकते हो कि जो मेरे खुद अप्लाई कर रही हूँ वो खुद भी इधर उधर हो रहा है। तो आपको इसमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हम बाद में स्मज ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो
आई शेडो के साथ में ब्रश आता है उसकी हेल्प से मैं उसको अच्छे से स्मज आउट कर लूँगी। पहले मैंने ब्रश की हेल्प से किया, उसके बाद मैंने मेरी फिंगर से किया। जैसा कि मैंने बोला कि जो मेरा मेकअप लुक है उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, आप देख सकते हो। सेम उसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाली आईज़ में भी उसको अच्छे से स्मज करके अच्छे से उसको स्मोकी काइंड ऑफ लुक दूंगी। और काजल के लिए मैंने यहाँ पे मैंने काजल के लिए वेट एंड वाइल्ड का जो न्यूट काजल आता है उसको यूज़ किया है। उससे क्या होता है कि जो आपकी आईज़ होती है वो पॉप होती हैं, बड़ी बिगर आईज़ आपको, बिगर आईज़ का लुक मिलता है आपको। उसके बाद फिर से मैं जो हमने स्मज किया था उसमें ब्लैक कलर का आई शेडो लेके उसको मैं अगेन सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और मैंने उसी ब्लैक कलर के आई शेडो को लेके अपने लोअर वाटर लाइन में भी अप्लाई किया। और अगर आपको लगता है कि आपका जो मेकअप में कुछ जो अमाउंट है या कुछ भी आई मेकअप में या कहीं भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉटन की हेल्प से या ईयरबड की हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड कि जो कॉन्टोर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आपके फेस को एक अच्छा सा डायमेंशन देता है और एक मीन्स एक अच्छा सा जो आपका जो फेस है ना उसको एक अच्छा सा लुक देता है। और क्योंकि मेरा फेस ब्रॉड है इसके लिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने नोज़ को मैं कॉन्टोर करूँगी और अपने चिक्स को कॉन्टोर करूँगी। और पहले मैंने उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट किया, बट जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल रख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में कॉन्टोर ब्रश हो, तो आप अपनी फिंगर से भी उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है। तो अब बारी आती है ब्लशर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लशर के लिए रेवलॉन का जो ब्लश आता है पीछी वाला उसको मैंने अप्लाई किया है। और आप देख सकते हो फ्रेंड ये जो मेकअप है लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया और अभी मैं अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जो कि है शिवाना का शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। उससे मेरे फेस पर जो जितने भी हायर पॉइंट्स ऑफ द फेस हैं उसको मैं हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, अपने चिक्स को, फॉरहेड को, इन सब पार्ट्स को मैं अपने हाईलाइट करूंगी। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक अप्लाई किया है जो कि मेरे फेस मेकअप के साथ में और मेरे आउटफिट के साथ में बहुत ही अच्छे से जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा मेरी जो लिपस्टिक और ये जो आउटफिट्स था उसके साथ में ओवरऑल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। फ्रेंड ये जो मेकअप लुक है ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आप भी वही सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ जो कलर्स हैं उसे चेंज भी कर सकते हो, मीन्स आप आईज़ के लिए कुछ और भी कलर यूज़ कर सकते हो या लिपस्टिक के लिए कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी अपने आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ को भी हाईलाइट करूँगी। अगेन अगर एक्स्ट्रा कुछ लगता है आपको तो आप उसको अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ग्लोई सा मेकअप चाहिए था, पीची पीची सा ग्लोई सा, तो मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर। और मेरा मेकअप सब कुछ कंप्लीट हो गया था बट मैं एट द एंड मस्कारा अप्लाई करना रह गया था मेरा, तो मैं एंड में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और ये मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, सिंपल सा पीची सा ग्लोई सा लुक। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।